तो भाई लोग, अभी मेरा जो हमारे देश है इंडिया, वो 1947 में ही आज़ाद हो गया। लेकिन कुछ अंग्रेज़ों ने अब हमारे इंडियन के रूप में ही हमारे देश में बैठे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोलकाता के एक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जो बहसी दरिंदों ने रेप किया था, उसके बारे में हम लोग आज क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को साइको एनालिटिकल प्रोफाइल से कुछ बातें सामने आई है। सीबीआई के अधिकारी ने बताया कि यह विकृत मानसिकता का व्यक्ति और पोर्नोग्राफी के आदि था। उसके फोन में कई अश्लील वीडियो भी मिले हैं। तो चलते हैं, इसका क्या अपडेट है इसका हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा बात की जाएगी। तो करीब चलते हैं, बाईस हम लोग मिनट देख बाद लेते हैं इलेवन इस वीडियो में क्या फिफ्टीन ये एम को सेम व्यक्ति बता उन रहा है, पेरेंट्स थोड़ा को हम लोग वापस देख कॉल लेते करता है हैं। और बोलता है कि आपकी बेटी ने पर वो री एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान एक बंदे पर फोकस करते हैं जो शॉर्ट्स और स्लीवलेस टी शर्ट पहने हुए थर्ड फ्लोर सेमिनार हॉल में सुबह 4 बजे घूम रहा था और उसके कंधे पर सीसीटीवी कैमरा में ब्लूटूथ ईयरफोन दिखते हैं। घिनौनी बात तो यह है कि प्रिंसिपल ने विक्टिम पर दोष डालने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि किसी भी लड़की का सेमिनार हॉल में देर रात अकेले जाना बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है। पर बंगाल सरकार ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उनको ट्रांसफर करवा दिया कैलकटा नेशनल मेडिकल कॉलेज में, जहां वो प्रिंसिपल बन गए। पर क्या वायलेंस रोकना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? देश में इतना घिनौना इंसिडेंट हुआ है जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। करोड़ों भाई हमारे देश में राखी बंधवाएंगे अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे हमारे ही समाज से। कोलकाता के इंसिडेंट ने दिखाया कि कैसा हमारा समाज फेल हो रहा है महिलाओं के लिए। जहां चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को ऐसे इंसिडेंट्स रोकने चाहिए, वो उल्टा अपनी स्टेट में प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही हैं और कोलकाता पुलिस लोग को प्रोटेक्ट करने के बजाय ट्विटर पर नोटिसेस भेज रही है। क्या चल रहा है इस देश में, इस इंसिडेंट में हुआ क्या और कौन जिम्मेदार है, मैं आपको फुल डिटेल देना चाहता हूँ। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज नॉर्थ कोलकाता के श्याम बाजार लोकेलिटी में बेस्ड है। ये बना था 1886 में और देश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। और इस पुराने अस्पताल में ही एक घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला डाला। 8 अगस्त रात के 11 बजे एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी अपने 36 घंटों की शिफ्ट में थी। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज बेसिकली मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो एक मास्टर्स की डिग्री कर रहे होते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए, और इन ट्रेनिंग्स के लिए 24 आवर्स, 36 आवर्स और 72 आवर्स के भी शिफ्ट बहुत आम बात होती है। इन शिफ्ट के दौरान उनको कंटिन्यूसली ऑन कॉल रहना होता है, यानी कि वो आराम कर सकते हैं पर जैसे ही कॉल बजे तो उनको ड्यूटी पर वापस आना होता है। रात में उसने अपने पेरेंट्स से बात करी और फोन में गुड नाइट बोल दिया, जिसके बाद वो अपने मेडिकल राउंड्स करने लग गई अस्पताल में, जो उसके लिए बहुत आम बात थी। रात के 2 बजे उसने एक ब्रेक लिया अपने मेडिकल राउंड से और 4 कॉलीग के साथ वो डिनर करने बैठी। एक इंटर्न, एक हाउस स्टाफर और 2 और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी। कॉलेज के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के थर्ड फ्लोर सेमिनार हॉल में उन्होंने खाना ऑर्डर किया और फिर वो टीवी पर ओलंपिक्स देखने लग गए, जहां वो नीरज चोपड़ा को सपोर्ट कर रहे थे। वो नीरज को सपोर्ट कर रहे थे और उस दिन उसने सिल्वर मेडल भी जीता। सेमिनार रूम 40x30 फीट का एक कमरा है जहाँ 50 लोग बैठ सकते हैं और इस सेमिनार रूम में घुसने के लिए आपको थर्ड फ्लोर की लिफ्ट से एक कॉरिडोर को पास करना पड़ता है जहाँ सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड थे, पर सेमिनार रूम में कोई कैमरा इंस्टॉल नहीं था। जैसे ही नीरज चोपड़ा का इवेंट खत्म होता है तो और सब सेमिनार रूम को छोड़ देते हैं, पर थकावट की वजह से ये लड़की उधर ही सो जाती है क्योंकि उसके 36 घंटे का शिफ्ट था। अब रात के 3 बजे उसको एक इंटर्न जरूर जगाता है एक रिपोर्ट दिखाने के लिए, पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद वो वापस सो जाती है। ये आखिरी बार था जब उनको जिंदा देखा गया। अगले दिन 7:30 बजे सुबह 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी की बॉडी मिलती है उसी हॉल में करीब 10 इंजरी मार्क्स के साथ। उनकी बॉडी सेमी नेकेड होती है और उनकी आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून भी निकल रहा होता है। सुबह के 10:53 AM को हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट उस लड़की के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और बोलते कि आपको जल्दी अस्पताल आना होगा क्योंकि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। करीब 22 मिनट बाद 11:15 AM को सेम व्यक्ति उन पेरेंट्स को वापस कॉल करता है और बोलता है कि आपकी बेटी ने उसके बाद तो और लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड दिया,
आप लोग जल्दी आइए। विक्टिम के एक फैमिली मेंबर ने बताया कि अस्पताल ने लड़की के पेरेंट्स को 3 घंटे वेट करवाया बॉडी देखने से पहले। वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। और जब ये परमिशन दी भी गई तो पिताजी को कहा गया कि आप बस अंदर जाके एक फोटो ले सकते हो, उसके बाद आपको बाहर आना है। जब पिताजी ने अपनी लड़की की कंडीशन देखी वो बिल्कुल टूट गए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का और मर्डर हुआ है। वो तो चली गई, हम उसको वापस नहीं ला सकते, पर कम से कम हमें जस्टिस मिलना चाहिए। जो भी मैंने लिंक्स और सोर्सेज यूज़ करें वो सारे पब्लिक हैं, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल डॉक में आपको मिल जाएंगे। इंसिडेंट के सामने आने के बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये भी पता चलता है कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने फैमिली से बात कर ली है और उनको स्पीडी जस्टिस का वादा दिया है। पर अब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई है। आजकल अस्पताल के कई डॉक्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज ने प्रोटेस्ट स्टार्ट करी है और एक ऑटोप्सी की डिमांड करी है। इसके बाद देश भर के मेडिकल कैंपसेस में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाती है। 9 अगस्त की सुबह पहले पुलिस कर्मी क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। क्योंकि उनकी ड्यूटी हॉस्पिटल के आउटपोस्ट में होती है इसलिए उधर वो जल्दी पहुंच पाते हैं। वो इमिजिएटली ताला पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में हॉस्पिटल है। हेलो, ये बुलचिन। उस पुलिस स्टेशन से फिर एक ऑफिसर्स की टीम आती है इंक्लूडिंग होमसाइडल विंग के डिटेक्टिव्स। सुबह के 11:30 बजे फोरेंसिक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स भी उधर पहुंचते हैं और एक केस रजिस्टर किया जाता है अननेचुरल डेथ का। पर फैमिली की पुलिस कंप्लेंट के बाद केस को बदल दिया जाता है रेप और मर्डर केस में। फिर पुलिस की टीम हॉस्पिटल के एक कमरे में 15 कंप्यूटर स्क्रीन इंस्टॉल करती है और सारी CCTV फुटेज चेक करने लग जाती है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। उस रात 5 लोग नाइट ड्यूटी पर होते हैं, उन सभी को सेपरेट किया जाता है और एक एक करके इंटरोगेशन करी जाती है। क्योंकि उन 5 लोगों की स्टेटमेंट्स एक जैसी होती है इस वजह से वो पुलिस की निगरानी से बाहर आ जाते हैं। पर वो री एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान एक बंदे पर फोकस करते हैं जो शॉर्ट्स और स्लीवलेस टी शर्ट पहने हुए 3rd फ्लोर सेमिनार हॉल में सुबह 4 बजे घूम रहा था और उसके कंधे पर CCTV कैमरा में ब्लूटूथ ईयरफोन्स दिखते हैं। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है, थोड़े टाइम बाद आपको पता चलेगा क्यों। हॉस्पिटल आउटपोस्ट का एक पुलिस ऑफिशियल इस बंदे को आइडेंटिफाई करता है, इसका नाम है संजय रॉय। उसकी सेलफोन लोकेशन फिर ट्रैक करी जाती है और पता लगता है कि वो कोलकाता के सॉल्ट लेक में एक पुलिस बराक में लोकेटेड है। अगले दिन यानी कि 10th अगस्त को एक पुलिस की टीम भेजी जाती है उसको पकड़ने के लिए। इस चीज़ के दौरान इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और क्राइम सीन पर उनको ब्लूटूथ ईयरफोन्स मिलते हैं। संजय से पुलिस पूछती है कि आपके ब्लूटूथ ईयरफोन्स कहाँ हैं जो CCTV कैमरा में हमें दिख रहे हैं। संजय कहता है वो गुम गए। पर जब पुलिस संजय के ब्लूटूथ को ऑन करती है उस फोन का ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है उन ब्लूटूथ ईयरफोन से जो उनको क्राइम सीन में मिला था। इसके बाद पुलिस रिकॉर्ड में संजय सस्पेक्ट नंबर 1 हो जाता है और उसकी इंटरोगेशन स्टार्ट हो जाती है। वारदात की रात जब पहली बार संजय हॉस्पिटल घुसा था तो उसने दारू पी रखी थी। वो रात के 11 बजे फिर हॉस्पिटल को छोड़ता है और दारू पीने के लिए और वापस आता है सुबह के 4 बजे। कोलकाता पुलिस ने कहा है कि संजय ने कन्फेशन कर ली है, पर इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस के लिए उन्होंने संजय की बॉडी पर कई इंजरी मार्क्स भी देखे और उन्होंने विक्टिम के नाखून से जो स्किन के सैंपल्स मिले वो भी संजय के DNA सैंपल से मैच करने की कोशिश करी है। ऑफिशियल फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक रिलीज हुई नहीं है, पर संजय रॉय है कौन? संजय को उसका परिवार इंक्लूडिंग माँ, बहन और पड़ोसी एक कलंक बुलाते हैं। उसकी 2 बहनें, बड़ी बहन एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है कोलकाता पुलिस में और दूसरी बहन एक सिविक वॉलंटियर है। उसकी एक बहन ने कहा कि मैं उसके बारे में बात बिल्कुल नहीं करना चाहती क्योंकि वो हमारे परिवार के इतिहास में एक कलंक है। मैं उसके बारे में एक ढंग की चीज़ भी नहीं कह सकती। अगर उसको फांसी भी दी गई तो हम उसकी बॉडी तक कलेक्ट करने नहीं आएंगे। संजय ने 2019 में कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को एज ए सिविल वॉलंटियर ज्वाइन किया था। सिविल वॉलंटियर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो पुलिस की ट्रैफिक मैनेजमेंट या फिर डिजास्टर रिस्पॉन्स में मदद करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं और महीने के उनको 12,000 मिलते हैं। वो ऑफिशियली कोलकाता पुलिस के नहीं होते, पर संजय अपने आप को ऑफिशियली कोलकाता पुलिसमैन की तरह ही इंट्रोड्यूस करता था। इनफैक्ट उसकी बाइक में भी कोलकाता पुलिस का एक स्टिकर था। और ये पहली बार नहीं था जब संजय RGCR कैंपस आया था। 2 साल पहले वो उधर एक बावर्ची था, पर फिर वो 2 साल के लिए गायब हो गया और जब वो वापस आया उसने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को कोलकाता पुलिस की तरह। हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि संजय उधर आता रहता था और वो प्रिंसिपल संदीप घोष के क्लोज भी था। इनफैक्ट संजय ने ये चीज़ यूज़ भी करी थी पैसा कमाने के लिए। वो पेशेंट से पैसा लेकर उनको वादा करता था कि वो हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा देगा।
अभी संजॉय एक सस्पेक्ट ही है क्योंकि ऑफिशियल फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है। इस वजह से सीबीआई या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है संजॉय के अगेंस्ट। पर यह कोई पहली पुलिस कंप्लेंट नहीं है संजॉय के खिलाफ। 13 मई 2023 को उनकी बीवी ने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करी थी क्योंकि जब वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी तब संजॉय ने उनको पीटा था। उसके 1 साल पहले 8 अगस्त 2022 को एक और पुलिस कंप्लेंट फाइल हुई थी संजॉय के खिलाफ ऐसी चीज पर पुलिस ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट वो पुलिस के साथ एज ए सिविक वॉलंटियर काम करता रहा। दुर्गा देवी जो संजॉय की सास है उन्होंने कहा कि वो उनकी बेटी को पीटता रहता था पर अगर तब पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन लिया होता तो शायद आज ये इंसिडेंट होता ही नहीं। ये बिहेवियर रेपिस्ट के अंदर बहुत आम बात है। याद रखना कि रेप सेक्स के बारे में नहीं है बल्कि पावर और कंट्रोल के बारे में होता है। रेपिस्ट के अंदर कोई सॉरी की फीलिंग भी नहीं होती, उल्टा वो दोष डालते विक्टिम पर ही। जैसे देखिए कि मुकेश सिंह जिनको फांसी की सजा दी गई थी निर्भया कांड में वो क्या बोलते हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं वो होती है, लड़के भी उतना उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज्यादा। मैंने 3 महीने पहले एक फुल वीडियो रिलीज किया था रेपिस की साइकोलॉजी के बारे में, तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। संजॉय के पकड़े जाने के बाद भी कई लोग खुश नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि संजॉय ने अकेले काम नहीं किया बल्कि जो रियल कल्प्रिट है उसको छिपाया जा रहा है। क्योंकि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट में शॉकिंग डिटेल्स थी उसने ये दिखाया कि ये करतूतें एक आदमी की हो नहीं सकती। 9 अगस्त शाम के 4:40 PM जो रिपोर्ट हुई उसने दिखाया कि मैट्रेस पर कई बाल पाए गए। इसके अलावा उस रिपोर्ट में कई ग्रूसम डिटेल्स हैं जिनको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता इस वीडियो में, जैसे कई एक्सटर्नल इंजरीज जो बॉडी में पाई गई। पर डॉक्टर सुबर्णा गोस्वामी जो आरजी करके एक फॉर्मर स्टूडेंट है उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में लिखा है कि मल्टीपल पेनिट्रेशंस की गई थी, इसका मतलब है कि बस एक आदमी इन्वॉल्व नहीं था इस चीज़ में। पर कुछ डिटेल जो इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रही है जैसे वजायना में 150 ग्राम सीमन पाया गया है वो बिल्कुल गलत है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक फैक्ट चेक पब्लिश किया है जिसको आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। कोलकाता के सीके बिरला हॉस्पिटल में डॉक्टर राजा धर ने भी इसी बारे में बात करी है कि जो भी डिटेल्स और रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से एक से ज्यादा आदमी इस क्राइम में इन्वॉल्व थे। उनकी स्टेटमेंट जो आपको सोर्स डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी वो कहती है कि क्राइम की डिटेल्स के हिसाब से मल्टीपल लोग इस भद्दी एक्ट में इन्वॉल्व थे। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है पर जो माहौल था वो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ चले जाता है जब लोगों को पता चलता है कि सरकार ने कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ क्या किया है। आरजी करके प्रिंसिपल है संदीप घोष। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि विक्टिम की फैमिली को बताया गया कि लड़की ने आत्महत्या करी है क्योंकि प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है किसी भी कॉलेज का, इसलिए जिम्मेदारी तो प्रिंसिपल की होती है और इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि प्रिंसिपल का अप्रूवल लिया नहीं गया था विक्टिम की फैमिली को कॉन्टैक्ट करने से पहले। घिनौनी बात तो यह है कि प्रिंसिपल ने विक्टिम पर दोष डालने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि किसी भी लड़की का सेमिनार हॉल में देर रात अकेले जाना बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल है। तो एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी उन्हीं लोगों की तरह जो दोष लड़कियों पर डालते हैं उनके अत्याचार के पीछे। इतनी घिनौनी चीज बोलने के बाद प्रिंसिपल के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई पर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं गया। फाइनली 3 दिन बाद 12 अगस्त को उन्होंने रिजाइन किया पर बंगाल सरकार ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उनको ट्रांसफर करवा दिया कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में जहां वो प्रिंसिपल बन गए। डॉक्टर संदीप घोष स्टेप डाउन एज द प्रिंसिपल ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम एज द प्रिंसिपल ऑफ कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। मतलब आप कोई जिम्मेदारी उठाओ नहीं और इतनी घिनौनी चीज बोलो उसके बाद आपको पोजीशन से हटा नहीं दिया जाएगा बल्कि दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाएगा। वाह भाई वाह। उल्टा उनकी नई अपॉइंटमेंट रोकने के लिए डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और जूनियर इंटर्न्स ने ऑफिस के दरवाजे ही बंद कर दिए ताकि ये प्रिंसिपल अपनी नई पोजीशन ना ले सके। तृणमूल कांग्रेस के 2 सीनियर मेंबर्स उधर स्टूडेंट्स को ठंडा करने के लिए गए। ये थे एमएलए स्वर्णा कमल और स्टेट मिनिस्टर जावेद अहमद खान। पर स्टूडेंट्स ने कहा कि आप हमें ठंडा करने के लिए क्या आए हो, अगर आपको इतनी परवाह है तो संदीप घोष को नया प्रिंसिपल क्यों बना दिया। संदीप घोष के तृणमूल कांग्रेस से बहुत क्लोज टाइज है और कई डॉक्टर्स ने यह आरोप लगाया कि वो हॉस्पिटल को चलाते थे जैसे उनका खुद का किंगडम हो। वो अख्तर अली जो आरजी करके फॉर्मर डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट थे उन्होंने कहा कि संदीप सबसे करप्ट लोगों में से एक है। बहुत ही करप्टेड आदमी है वो। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना, मतलब आरजी कर में जो भी काम होता था सब जगह वो पैसा खाते थे। कई स्टूडेंट जिन्होंने संदीप के नीचे काम किया है वो कहते हैं कि ये प्रिंसिपल डिक्टेटर से कम नहीं है।
एक मेडिकल इंटर्न ने इंटरव्यू में बताया कि डॉक्टर संदीप घोष कुछ भी कर सकता है तुम्हारे खिलाफ। वो अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस यूज करता है स्टूडेंट्स को धमकी देने के लिए अगर वो उनकी बात माने ना। कई स्टूडेंट्स को उसने फेल करवा दिया है क्योंकि उन्होंने अपनी आवाजें उसके खिलाफ उठाई हैं। विक्टिम की फैमिली के लॉयर ने कहा कि सरकार ने प्रिंसिपल को हटाने की बजाय ट्रांसफर कर दिया है, हम सरकार पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। इसी वजह कि एक वीडियो वायरल हो रहा था, सेमिनार रूम जहां विक्टिम का रेप और मर्डर हुआ था उसके पास वाला रूम सडनली रेनोवेट हो रहा था। एक स्टूडेंट प्रोटेस्टर ने पूछा कि क्राइम सीन के पास तोड़फोड़ क्यों स्टार्ट कर दी गई है जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपके कॉलेज में इतना बड़ा हादसा हुआ है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने वाली है, तो फिर रेनोवेशन करने की क्या जरूरत है, क्या जल्दीबाजी है इस रेनोवेशन की। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कई और अफवाहें फैलने लगी, जैसे एक सेक्स और ड्रग रैकेट उधर चल रहा था, क्योंकि कुछ डिटेल्स इतनी भद्दी और कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं दिया गया किसी भी ऑफिशियल रिपोर्ट में। इसी वजह से ऐसी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। तो जो पूरी पब्लिक थी उनका ट्रस्ट चले गया था एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। 14 अगस्त को उन्होंने प्लान बनाया एक साइलेंट प्रोटेस्ट का। आजादी के दिन के पहले रिक्लेम द नाइट मार्चेस हुई देश भर में, ये दिखाने के लिए कि महिलाएं भी पब्लिक स्पेसेस में हिस्सा ले सकती। हम लोग सिर्फ रात को नहीं, हम लोग दिन में भी सुरक्षित नहीं, दिन में भी हम लोगों के साथ इंसिडेंट होता है। हम लोग अपना सुरक्षा चाहते हैं, हम लोग अपनी लड़कियों का सुरक्षा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। ये प्रोटेस्ट देश भर में पीसफुल थी, पर सडनली आरजीकर अस्पताल के पास प्रोटेस्ट ने एक बहुत डेंजरस टर्न ले लिया। 12 बजने के बाद आरजीकर अस्पताल में वायलेंस देखने को मिला। कई अननोन लोगों ने बैरिकेड तोड़कर डॉक्टर्स को मैनहैंडल किया और हॉस्पिटल प्रॉपर्टी को तोड़ डाला। इमरजेंसी बेड्स जहां कई पेशेंट्स मौजूद थे उनको तोड़ा गया और मजबूरन डॉक्टर्स, नर्सेज और कई पुलिस ऑफिसर्स को भागना पड़ा। प्रोटेस्टर्स ने बताया कि ये अननोन लोग ट्रकों में प्रोटेस्ट साइट में आए थे, पर किसी को ये पता नहीं था कि ये कौन थे। इनमें से कई लोग तो लड़कियों के हॉस्टल तक चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक पैनिक सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। रात के 2 बजे कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल उधर पहुंचे और उन्होंने दोष डाला मीडिया पर। उन्होंने कहा कि मीडिया ने एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर दिया है पुलिस और सिविल सोसाइटी के बीच। बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये गुंडे तृणमूल कांग्रेस के गुंडे थे, जबकि ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग सीपीआईएम और बीजेपी के गुंडे थे। कोलकाता पुलिस अब ट्विटर को यूज करके इन लोगों को आइडेंटिफाई करने में तुली है, पर अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि ये लोग थे कौन और इनका क्या मोटिवेशन था कि ये अस्पताल में घुस गए। अब कई लोगों ने कहा कि इन लोगों को भेजा गया था एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। हॉस्पिटल में जरूर तोड़फोड़ मचाई गई, पर कोलकाता पुलिस ने क्लैरिफाई किया कि क्राइम सीन सेमिनार रूम है और उसको डैमेज नहीं किया गया है। पर क्या वायलेंस रोकना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? उल्टा ममता बनर्जी ने यह अनाउंस किया कि 19 अगस्त को वो प्रोटेस्ट करने जा रही है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि रेपिस को कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, फांसी की सजा। ये तो हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपकी स्टेट में एक ग्रूसम रेप हुआ स्टेट के कैपिटल में, प्रिंसिपल जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं मेडिकल कॉलेज के उनको हटाया नहीं गया बल्कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ये केस फिर सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर आप मांग कर रहे हो स्पीडी जस्टिस और कैपिटल पनिशमेंट की, पुलिस आपकी सरकार आपकी, तो ये नाटक किस चीज का हो रहा है? पर ममता बनर्जी जो डेथ पेनल्टी की मांग कर रही है अपने प्रोटेस्ट में, वो एक तरीका है आपको डाइवर्ट करने के लिए। उनकी बातों में मत फंसो। उनकी तरह कई लोग हैं सोशल मीडिया पर जो कह रहे हैं कि देश में रेप्स बस इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमारी पनिशमेंट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। वो कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान और सऊदी अरेबिया जैसे देशों को देखो जहाँ रेपिस्ट को बहुत कड़ी सजा दी जाती है, अगर इंडिया में भी ऐसा हो गया तो इंडिया एकदम से सेफ और डेवलप्ड देश बन जाएगा, है ना? एकदम गलत। ये बहुत ही वाहियात आर्ग्यूमेंट है, मैं आपको बता दूँ क्यों। इंडिया में जो 97% रेप्स होते हैं उधर विक्टिम क्रिमिनल को जानती है, तो यानी कि रेपिस्ट फ्रेंड, फैमिली मेंबर या फिर आस पड़ोस का आदमी होता है। अब मान लो कि अगर रेपिस्ट फैमिली मेंबर है और सजा डेथ पेनल्टी है, तो आपको लगता है कि क्या होगा लड़की के साथ? लड़की को बोल दिया जाएगा कि चुप रहे, परिवार में ही इस चीज़ को सॉल्व कर देते हैं, बेचारा ये मर जाएगा। दूसरी चीज़, किसी भी क्रिमिनल के दिमाग में 2 चीज़ें होती हैं, पहली है कि पनिशमेंट कितनी स्ट्रिक्ट होगी और दूसरी कि क्या संभावना है कि वो पकड़े जाएंगे। हमारा पूरा देश बस पनिशमेंट से ही ऑब्सेस्ड है कि फांसी पर चढ़ा दो, गोली से मार दो। हम दूसरी चीज़ के बारे में तो भूल ही जाते हैं। आपको लगता है कि रेपिस को पता नहीं है कि उसको सजा मिलेगी? उसको पता है,
और वो कॉन्फिडेंट है कि केस जाएगा ही नहीं उधर तक। रेप केसेस में कन्विक्शन रेट बस 27% है, यानी कि 73% केसेस में कोई कन्विक्ट नहीं होता। इसीलिए पनिशमेंट बढ़ाने की जगह हमें बेटर पुलिसिंग और फास्टर कोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 2019 में एक फेमस हैदराबाद रेप और मर्डर केस हुआ था, जब पुलिस ने सस्पेक्ट्स का एनकाउंटर कर दिया था। सिर्फ आधे घंटे में पुलिस ने 4 आरोपियों का एनकाउंटर किया। तब पूरा देश जश्न में था कि देखो क्या हो रहा है रेपिस्ट के साथ। इस एनकाउंटर के बाद क्या रेप्स बंद हो गए हमारे देश में? नहीं, क्योंकि ना पुलिसिंग बदली और ना कोर्ट्स। ममता बनर्जी आपको बेवकूफ बना रही है ये कहकर कि डेथ पेनल्टी की मांग करनी चाहिए हमें, जबकि उनको अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए कोलकाता पुलिस को इम्प्रूव करने में, और उनको अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए बच्चों के बीच जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने में। याद रहे कि रेप बस एक तरीका होता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का। हर दिन जो लड़कियां घूरी जाती हैं और उन पर ताने मारे जाते हैं, वो एक और तरीका है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का। और ये तभी सॉल्व होगा जब हम हमारे बच्चों को ढंग की सीख देंगे। तारों की टोली एक एनजीओ है जो इस प्रॉब्लम की जड़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। कैसे? बच्चों को पढ़ा के जेंडर इक्वालिटी के बारे में। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई और वो पढ़ना चाहती है अब भी, पर उनके जो पति है ना वो मना कर रहे हैं। अगर मैं तारों की टोली से थोड़े से दिन पहले और जुड़ी होती ना, तो वो आज पढ़ रही होती। अगर हमें इस प्रॉब्लम की जड़ को सॉल्व करना है तो हमें ऐसी एनजीओस को ही सपोर्ट देना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब समाज की सोच बदलेगी। इसके बारे में आप और जान सकते हो इस डिटेल वीडियो में जो मैंने बनाया था रेपिस्ट की साइकोलॉजी के बारे में, और उसके बाद आप ये वीडियो देख लेना ये जानने के लिए कि तृणमूल कांग्रेस इतनी पावरफुल क्यों है वेस्ट बंगाल में। तो भाई लोग, डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच कर रही है, सीबीआई की जांच के घेरे में कई सवाल अभी हैं। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि इस अपराध को बिना किसी बाधा से सेमिनार हॉल में अंजाम दिया गया। उस हॉल के दरवाजे का टावर बोल्ट टूटा हुआ था। शुरुआती जांच में पता चला कि टावर बोल्ट जो है वो टूटने के कारण दरवाज़ा कुछ समय से खराब था। सीबीआई यह भी पता लगाने की कोशिश में है कि क्या कोई दूसरा शख्स सेमिनार हॉल के बाहर तैनात था। इसकी पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। अधिकारी इस जांच पर भी कर रहे हैं कि जब घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो सेमिनार हॉल के अंदर से कोई आवाज़ क्यों नहीं सुन सका। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय के साइको एनालिटिकल प्रोफाइल से कुछ बातें सामने आई है। सीबीआई के अधिकारी ने इन्हें बताया है कि यह विकृत मानसिकता का व्यक्ति और पोर्नोग्राफी का आदि था। उसके फोन में कई अश्लील वीडियो भी मिले हैं। सीएफएसएल के रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस में वॉलेंटियर संजय की प्रवृत्ति जानवरों जैसी है। पूछताछ के दौरान भी उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया और अपना जो है जुर्म कबूल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने फटकारते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस केस में इस तरह से काम किया जो मैंने अपने 30 साल के करियर में नहीं देखा है। कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। गौरतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को रेप मर्डर केस सीबीआई को सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को सीबीआई से जांच रिपोर्ट पेश करने को आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर की हो जाएगी। और बात करें तो सीबीआई अर्जीकर अस्पताल में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। बीते 7 दिनों में 88 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। गुरुवार को सीबीआई ने 13 घंटे तक पूछताछ की थी। राज्य सरकार ने संदीप का ट्रांसफ़र भी रोक दिया है। मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाध्यक्ष अख्तर अली ने कलकत्ता हाईकोर्ट से पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ ईडी जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि घोष के कार्यालय में कई वित्तीय गड़बड़ी हुई है। तो भाई लोग, ये जो कांड हो रहे हैं हमारे देश में, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मानसिकता ऐसा हो रहा है सभी लोगों को, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।